अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ और आप भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इस वक्त हमारा आज का नया ब्लॉग चालू हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी हिम्मत करके इस ब्लॉग का बड़ा तैयार करा है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस वक्त अभी मैं हमारे खुशी के सेमल पार्टी पे हूँ। यहाँ से हम जाने वाले हैं निसरपुर और कैसे जाने वाले हैं वह आपको बड़ा इंटरेस्ट लगे। हम जाने वाले हैं हमारी दो टांगों के निशान, यानी हम पैदल जाएंगे और यहाँ से हमारा निसरपुर है 12 किलोमीटर दूर हम पैदल जाने वाले हैं। और मेरे साथ है हमारे कैमरामैन आसिम भाई। आसिम भाई है और ये भी हमारे साथ चलेंगे। चले अभी हमारा एडवेंचर चालू करते हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं। तो हम निकल चुके हैं, तैयार भी नहीं हुए थे और अभी इस वक्त बज रही है सुबह की 8:30 बज चुकी है और काफ़ी लेट हो गया है। वहाँ से जो हमारा जो हरा हरा देख बैनर दिख रहा है आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों फाइनली अभी हम उक्षी के बाहर होने वाले, चलो होता है यहाँ से बोर्ड तक आगे हैं और अभी हम ये बोर्ड पार करके समझो कि हम उक्षी से बाहर हो गए और सुसारी पहुँच जाएंगे। सुसारी यहाँ से हमारे गाँव से 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ से कुछ सामान लेना है, हम बिना खाए पिया है बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया हमने, बस निकल गए सफ़र में। तो अभी हम वहाँ से सुसारी से सामान लेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करेंगे फिर निकलेंगे। और दोस्तों निसरपुर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और हमने गूगल से में सर्च करा था कि अगर आदमी को पैदल जाता है तो कितनी देर में पहुँच जाता है। तो हमने गूगल पर सर्च करा था तो उन्होंने 3 घंटे का बताया था गूगल ने। तो अभी हम जहाँ तक सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत आराम से रुकेंगे भी तो कम से कम 4 या 5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। और अभी हमारा सफ़र यहाँ से ऐसा लग रहा है, आसिम भाई को कह रहा है कि भाई बहुत दूर है 12 किलोमीटर दूर, लेकिन मैंने कहा यार इतना तो कुछ नहीं। जब भी मैं पैदल चलता हूँ मुझे मालूम है कि एक पैदल आदमी चलने वाला कितना चल सकता है और मेरे अंदर एक कैपेसिटी फुल है, चल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने मेरे को सपोर्ट करते रहे तो मैं आपको इंशाल्लाह इसी तरह और आगे तक की वीडियो बताऊँगा और एडवेंचर जाएँगे, बड़े बड़े एडवेंचर करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ मेन पॉइंट तक पहुँचने वाले हैं, वहाँ से सुसारी चालू हो जाता है जो सड़क पर है वहाँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। और भाई यहाँ पर देखो बड़वानी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर, और यहाँ से बड़वानी 35 किलोमीटर दूर भाई बहुत, अगर पहुँचना जाए तो अपन कितनी देर में पहुँचा सकते। मैं तो इतना दूर नहीं चलूँगा, फिर भी बता रहा हूँ अंदाज से 6-7 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बिना रुके। मैं यहाँ तक कह दूँ कि अगर पैदल बिना रुके आदमी को चलता गूगल अगर बताता है वो बिना रुके वाला, अपन रुकने वाले के बस हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन अगर चले तो सुबह की 5 बजे से निकलना पड़े तो जाके दोपहर के 1 बजे पहुँचेगा आदमी पैदल। इस वक्त हम होटल पहुँच चुके हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, तो हम यहाँ से सोच रहे हैं कि हम नाश्ता लेके चले जाते हैं, रास्ते में खा लेंगे, काफ़ी भीड़ है भाई। दोस्तों अभी हम इस वक्त नाश्ता ले लिया हमने और हमको आगे रास्ते में देखना है कि कहीं अच्छी जगह कहीं खाने का जगह मिल जाएगी, तो वहाँ बहुत भीड़ थी, हमारा खाने का दिल बिल्कुल नहीं था वहाँ पर। तो हम आगे और मेरे कंधों से बोझ भी निकाल दिया हमारे आसिम भाई ने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ से हमको थोड़ी देर रास्ते में देखना है कहीं अच्छी जगह। काफी देर से चल रहे हैं लेकिन कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही है, कहाँ बैठ के खाएं। मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी, थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी अच्छी जगह। चलो वहाँ चले। चलो अभी आसिम भाई को अच्छी जगह मिली है तो चल देखते हैं। थोड़ी बहुत रहे थे वहाँ पर तो हम जा रहे ऊपर ही बैठ सकते हो, वहाँ पर पेड़ भी गिरा हुआ है तो उसके ऊपर बैठ जाएंगे। यहाँ पर बैठ के खाने कर रहे हम, छाँव भी है अच्छी सी और थोड़ा अंदर भी। यहाँ आ जाते आसिम यहाँ अच्छा रहे।
चलो। और तो ये इस जगह में हम बैठ के खाएंगे, काफ़ी अच्छी भी है और हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी मिली। क्यों रहा असीम, हमको जैसी सोच थी वैसी अच्छी मिल गई। और एक बात तो देखा, हम यहाँ है लेकिन हम दरी भूल गए, क्योंकि जल्दीबाजी में आए तो हम कुछ बिछाने जैसा कुछ लाए नहीं थे, तो अल्लाह ने हमारा इंतज़ाम भी कर दिया उस रब ने। ये हमको कुछ अच्छी साफ़ सुथरी है, साफ़ सुथरी है एकदम, साफ सुथरी बैठ सकते हैं, स्पेसी है, कचौरी और पोहे हैं। दोस्तों अभी इस वक्त हमारा नाश्ता हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था, और अभी हमारा सफ़र फिर चालू हो गया है, तो चले चलते हैं। तो आसिम भाई, नाश्ता कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, वैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी जगह मिल जाएगी। आसिम भाई को जगह बहुत अच्छी लगी, उनको जैसी चाहिए थी वैसी पर्सनल जैसी जगह मिली, कोई देखे नहीं ऐसा करके, कोई भी दो तीन जनों ने देख लिया। नहीं नहीं, दुनिया है सब देखते रहते हैं। तो चले अभी हमारा ऐसा सफ़र फिर से चालू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से ये उम्मीद है कि हम कामयाब करें। तो यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो एक यही इस रास्ते और एक ये हमको टोल, ये भी टोल टैक्स से भी जाएगा और ये वाला भी टोल टैक्स से। हम नए ये सड़क पे हम गाड़ियों में कई बार गए हैं, लेकिन इस बार मैं नया करने वाला हूँ। तो चले चले इस तरह, ये रास्ता भी अच्छा है और बढ़िया है। तो चलिए और जंगल की तरफ अंदर जाएगा, थोड़ा जंगल होके जाएंगे अंदर से और अंदर का मज़ा लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट टोल टैक्स से निकलेंगे अपन। मन भी रहेगा गाड़ी घोड़ों का, कोई खराब नहीं। मेरी सबसे फेवरेट जगह इस पूरे सफर में। तो देखिए भाई, बहुत ज़्यादा फट रही पीछे, क्योंकि हमारे कुत्ते हैं। मेरी नहीं बेटा, जब आ जाएंगे ना तो पीछे दौड़ते रहना। तो बढ़िया, लेकिन उनमें से एक गायब हो चुका है। और अभी इस वक्त हम घने जंगल में आ गए थे, वही दर बताता हूँ आपको मैं। ये इस वक्त हम घने जंगल में आ गए, हम सड़क के इस अंदर में हैं, एकदम अंदर में। हमको लगा था यार गाड़ी नसीब नहीं होगी, यहाँ ट्रैक्टर नसीब हो रहा है। क्यों ये टोल टैक्स से भी आएगा, वो ये भी जा सकता है। अब हमें ये पूछना है
ये टोल टैक्स पे जाएगा, एक और रास्ता यहाँ से निकल रहा था उधर वहाँ पर, बाकी वो टोल टैक्स पे जाएगा। अब हम किसी से पूछ लेते, एक गाड़ी वाले भैया आ रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। क्या तो रुके नहीं हमने इस भैया, ये भैया से पूछ ले जो हमारे पीछे गाय लेके चल रहे थे, इनकी गाय यहाँ चारा खाना है। ये रास्ता सही है, हमारे जो जा रहे हैं वे सही है। हमको आगे से जाकर टर्न लेना है, सीधे टेकड़े पे नहीं चढ़ना है, तो चले चलते हैं। और आगे हमारा जो सफ़र है काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि हमारे को गाड़ी रखने की अच्छी जगह बनी, देसी जुगाड़। वाह यार वो देख कितनी अच्छी गाड़ी खड़ी हुई है, इस पर कूद जा, असीम कूद जा, मैं तेरे को बचाने वाला नहीं हूँ। पासिन देख क्या लगता है, दलदल क्या होगा, और आदमी गिरा तो कैसा लगे? मेरे को टेंशन नहीं है, मैं अगर वहाँ तू मेरे को धक्का भी दे देगा ना तो मेरे पास एक जोड़ी है कपड़े लाए लाऊ एक्स्ट्रा। देखो माला पानी 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 बाटल में तो तुम्हारा वो है नहीं, फुल भरो। हाँ चले यहाँ से सफर और आसान हो जाए अल्लाह करे। भाई जो आता वो यही पूछता है कि क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे। अब भाई क्या किए हम, यूँ क्या बोल सकता हूँ मैं भी। हाजिम भाई तो उधम उकल लेते हैं, जैसे कि मेरे साथ हो ही नहीं ऐसे कामों में, अपने आप को ऐसा छुपाता ही है कि भाई मुझ पे कीचड़ नहीं उछले तुम्हारे पे उछले तो चल जाएगा, बाकी मैं भी उसका भाई हूँ, उछलेगा तो सब पे उछलेगा वरना उछलेगा नहीं। क्या सी एक और गाड़ी आ रही है इसी के साथ। तो भाई यहाँ खेत में काम हो रहा, अभी पाइप ये बिछा रहे हैं, लोग काफी लाते हैं। हाँ यार देख कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। तो भाई अभी हमारा और अपन का नाम, और हम अभी इस वक्त जंगल के अंदर है, ठीक पीछे बीच है जंगल में, जंगल के अंदर है। और यहाँ देखो कितना बढ़िया यार इन्होंने ये भाई, ऐसा लग रहा है जैसे गई मैं गद्दी पे चल रहे हो, ऐसा लग रहा है ना। हाँ अर्जुन चौहान सारे कवि ने अर्जुन चौहान हमने हमको क्या है यहाँ पर खेती बाड़ी में ज़्यादातर जो पाटीदार ने इसे मिल रहे हैं, तो आसिम भाई ने किया था कि नाम रखे अपन तो अर्जुन चौहान मेरा नाम है, और हमारा आसिम भाई का क्या नाम है, वीर, और तुमने सरनेम क्या रखी थी, वीर राठौड़। हाँ राठौड़। हाँ ये घास हमको ऐसा लग रहा है हम कहीं गद्दी पे चढ़ रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है यार इस पे। और ये सब जगह पे ये पाइप लगेंगे, ये पाइप जो दिख रहा ना ये लगेंगे, और हमको जाना है उस तरफ, वहाँ से हमारा रास्ता है। भाई हसीम भाई कैसा लगा भाई, काम बढ़ गया क्या, ये जल्दी चलो पैर दुखने लगा, पैर दुख रहे तेरे। हाँ यार हसीम इतनी है कमज़ोर, अभी से इतनी जवानी में इतना कमजोरी मत बन यार, रात भर रात भर काम करके तैयारी। तू कौन से कलेक्टर से मिलने गया था रात भर? आखिर यार हमारी वो फैक्ट्रियाँ चलती है ना इनविजिबल, इनविजिबल दिखती नहीं है मतलब यूँ, बाकी काम होता है। सड़क पर आ गए मतलब सड़क के पास, और हमारा है टोल टैक्स आ गया है, अब टोल टैक्स हमारा मिल गया है। एक बात है यार अपने को लग नहीं रहा था कि अपन जंगल के अंदर जाएंगे, लेकिन हाँ। अल्लाह ने अपनों को अंदर भी भिजवा दिया, इतनी बड़ी बात, निकल भी गए और निकल भी गए आसानी के साथ, कोई तकलीफ नहीं। पानी हमारा ख़त्म हो गया है और हमको पानी की प्यास बहुत लग रही है, तो इसलिए हम जाएंगे वहाँ। हैंडपम्प में हमने इसलिए नहीं भरा क्योंकि हमको हैंडपम्प का पानी नहीं जमता। निकले जगह भी है भाई काफ़ी मस्त है, यहाँ बैठ जाते हैं, नहीं जा रहा 5-10 मिनट बैठेंगे थोड़ा रेस्ट करके फिर जाएंगे। और मेरे को काफ़ी प्यास लग रही है भाई, लाओ मेरे को दो ठंडा पानी है, इतनी राजन में भी हमको ठंडा पानी पीना। खाना हो गया रेस्ट, आसिम भाई को बहुत तड़प है जाने की, तो हम चलते हैं। चले आगे का सफ़र जारी है हमारा, और ये टोल टैक्स तो हम अलविदा करते हैं। عليكم أحايب بنايا كيرو
निसार को पहुँचने में कम से कम यूँ समझे मेरे अंदाज से 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। इस वक्त हम यहाँ पर कपास के यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर देखे कपास निकाल रहे हैं ये सब, तो हम इनको देखने चलते हैं आप अंदर कैसे निकालते करके। चले ये देखो, काका जी के पास चलते हैं। एक एक करके चुनना पड़ता क्या कागज? कितने दिन में चुन जाते दादाजी? 15 दिन में पूरा खेत। चलो अब हम चलते हैं, काफी देर हो रही है हमको। ठीक है, नाश्ता कर लेना, पानी पी लेना है। है। चलो अभी आगे भी दुकान है तो वहाँ चाय नाश्ता कर लेंगे। चलो फिर से हमारा एडवेंचर चालू हो गया है और काफ़ी अच्छा लगा हमको कपास निकालते हुए। मैंने फर्स्ट टाइम कपास निकाला और काफ़ी अच्छा भी लगा, दिल से एकदम बहुत बढ़िया लगा। यहाँ से हमने अभी बोर्ड देखा था हमारा कुक्षी का, तो हम करेट अभी 6 किलोमीटर चले थे करेट। हमको लगा था कम से कम 7-8 किलोमीटर चले होंगे अंदाज से क्या से। ओके, हमने बोर्ड देखा तो 6 किलोमीटर दूर चल रहे मेरे के यार, अभी तो हम इतना ही चले 6 तो 7 या 8 किलोमीटर और चलना है अभी, तो चलते हैं अभी। इस आपको इंशाल्लाह निसरपुर तक पहुंचा दूंगा और मैं इंशाल्लाह अगर मैं पहुंच गया तो मैं 2 रकात मस्जिद में शुक्राने की पढ़ेंगे क्या सी भाई पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारी वीडियो अगर हम पहुँच गए तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपने भी 2 रकात शुक्राने की पढ़ी कि नहीं, आप भी पढ़ना। और आसिम मैंने दिल्ली एक मकान बनवा रहा हूँ, ये देख खाली कालम खड़ी कर दिया है, ये सब डाल रहा हूँ अभी, बस खाली थोड़ा सा काम बाकी है, मैं चले बनवा दूँ। बनवा दूँ क्या? ये इनका किचन है, ये आसिम भाई का किचन है, थोड़ा इसको भी सही करवा दूँगा। और लेटरिन बाथरूम भी यहाँ पर देखो ये थोड़ा बहुत करवाने वाला हूँ, इधर अच्छा सा करना है, लेटरिन बाथरूम यहाँ बनवाएंगे क्या आसिम भाई? तो आसिम भाई का मकान अभी बाद में देखेंगे। आसिम गुस्सा मत निकाल यार जमीन पे, तो अल्लाह ने कहा ना तुम जमीन वालों पर हम करो, ऊपर वाला तुम पर हम करे, तो तू जमीन पर हम कर, जमीन लगड़ा मार रहा मैंने तो पूरा खोद ही दिया है भाई, और थोड़ा तंदुरुस्ती और मजबूत अच्छा रहेंगे। तो हम काफ़ी पास आ चुके हैं हम, और जो हमारा सीधा रास्ता था वो भी ख़त्म हो गया, आगे से 2 मोड़ है और उसमें हमको इधर जाना है। देखो जो ये 2 मोड़ है वो सीधे तो नीचे है पुराना निसरपुर, और इधर जो है वो नया निसरपुर है, तो हमको नया निसरपुर जाना है। कौन सा है? 12 सिंह का वो पिक्चर में ना आए मैं इनकी क्यों भाई रहता लोकी 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 देखो इनका मानसिक संतुलन धूप के वजह से हिल चुका है। देख लोकी का सिर क्यों देखा, मैं जानता था कि एक ना एक दिन पागल हो जाएंगे। असल में आसिम भी क्या था भाई ऐसा करके, देखो मैं तुमको एक बार देखना चाहता हूँ, मेरा दिल के तमन्ना है इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। ये सब झूठी बात है। अरे बस यार मेरे को डर लगता है यार। तो अभी इस वक्त हम निसरपुर के काफी करीब हैं, समुंदर भी आ गया है और आसिम भाई के पैर अब जवाब दे रहे हैं कि भाई बहुत हो गया है, बस खाली पैर नहीं दुख रहे तुम्हारे नहीं बोले
मेरा खाली जो पैर में जो तकलीफ है वही दुख रहा है, बाकी कोई सा नहीं दुख रहा। सही में ही बोला, अल्लाह का शुक्र करेंगे अल्लाह ने हमको इतनी ताकत दी कि हमारे में इतनी दर्द नहीं है। हमको दिल में एक ख्याल आया था कि यार मैं सोच भी रहा था कि करते भी हैं तो शायद हम आधे रास्ते से वापस आ जाए, हिम्मत तोड़ दें, लेकिन हमारा आसिम भाई ने भी हिम्मत नहीं तोड़ी और अल्लाह ने मेरे दिल को भी ज़्यादा ताकत दी तो मैंने भी हिम्मत नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली इस वक्त अभी हम पुल तक पहुँच गए हैं। तो ये कह दूँ कि जो पुराना निसरपुर था वो इस पानी के अंदर है, तो ये जो है निसरपुर एकदम पूरे पानी के अंदर में है। जो नई निसरपुर जो हम जा रहे हैं वो एक नई निसरपुर पूरे पहाड़ी इलाके पे है, बहुत शानदार वहाँ से व्यू दिखता है। हम मस्जिद पे जाएंगे ना, मस्जिद के वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार दिखता है। वहाँ पर निसरपुर बसेवा था पुराना, पूरा पानी के अंदर चले गया। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है खुला पानी एकदम। दोस्तों फाइनली हम नारा पुल पार हो गया है और काफ़ी थकान हो गई। आसिम भाई की हालत कैसी है? अच्छी है, कहीं नहीं रहे थे। मैं भाई मेरे को वो जो गाय भेज जा रही है जैसे कि वो उस पर बैठने का बहुत दिल करा, लेकिन आसिम भाई ने क्या कि भाई अपन ने पैदल का करा है पैदल ही करेंगे, उसमें नहीं बैठेंगे। मेरा बहुत दिल था उस पर बैठने का। तो काफ़ी देर बाद हम निसरपुर पहुंच चुके हैं और ये देखो हम बाहर है, अभी निसरपुर के अंदर भी जाएंगे। गन्ने के रस की दुकान दिख रही है, अभी अच्छा है। आसिम भाई का भी आया, कैसा आसिम भाई? फिलहाल अभी हमने हगन्ना पी लिया और आपको ये बताओ तो हम निसरपुर के यहाँ पर है और यहाँ से देखिए इतना बड़ा शहर है। अब पुराना जो था वो ज़रा छोटा था और ये नया है बहुत बड़ा हो गया है। देखो आ चुकी है अभी मस्जिद और यहाँ पर जाएंगे हम अंदर मस्जिद में। हमारी मंजिल तक पहुँच गए, अल्लाह का बड़ा करम है। और यहाँ पर अभी हम थोड़ा फ्रेश होंगे, अभी वजू बना लेंगे। आज का एडवेंचर यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाटा। तो भड़क नहीं गया क्या वाला? ए दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा। वो आ रहा है, कुत्ता हमारे पीछे पड़ रहा।